Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ हिंदी चैप्टर नंबर 13 बचपन के दिन आज हम पढ़ेंगे। बचपन के दिनों की स्मृतियां भुलाए नहीं भूलती हैं। बचपन के दिन बड़े अनोखे होते हैं, कोई उन्हें कभी नहीं भूलता। जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखते हैं, पांचवें या छठे बरस में मेरा अक्षरंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्ला के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयां बांटी गई, हम तीन विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, एक मैं और दूसरे दो जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे, वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चाचा जो मेरे भी चाचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़ते थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र स्वभाव के आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चाचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चाचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या फिर कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चाचा मौलवी साहब को शतरंज खिलाते पर हुए कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते। हंसने का मौका आ गया तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चाचा सब समझ गए, मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि सब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे में तर तर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, कोई काम वे नहीं जानते। इस बात की को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ यह कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता है। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वो पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जो ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कटोरी कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तक्षपोष पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती।
तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसे तख्त पोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और सबको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्द नींद आती, डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना नदी रेत की छोटी पोटली बना लेती और छिपाकर उसे दिए में रख देती। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म देते। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम सब लोगों को बड़ा दुख हुआ। यह कथा किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ये उनकी स्वयं की आत्मकथा से प्रेरित है। ये सभी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी और आपको कॉपी में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।